सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़े थे, आइए उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण होता क्या है? जिसके उभरे हुए भाग पर कलई हो और दबा हुआ भाग का हो, परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये अवतल है। ठीक है, इसको जो बीचों बीच सेंटर होता है, जिसे सेंटर बोलते हैं, ठीक है, दूरी त्रिज्या होती है, इसका जस्ट आधा फोकस होता है, दो पॉइंट। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ध्रुव पोल बोलते हैं। ध्रुव पीछे दर्शाते हैं, लास्ट में एक पॉइंट होती है, इसे इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। ठीक है, हमें आज जानना है कि वस्तु कहाँ होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए बताते हैं आपको। कोई भी वस्तु होगी वो दर्पण के कहाँ होगी? आगे होगी। चाहे दर्पण कैसा भी हो, वस्तु हमेशा आगे होगी। अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, यानी जितने प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेंगे वो सभी वास्तविक बनेंगे, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण के आगे वो सबका बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और जितने पीछे बनेंगे वो सब आभासी बनेंगे और क्या बनेंगे, सीधा बनेंगे। यानी जो पीछे बनेंगे प्रतिबिंब वो आभासी बनेंगे और सीधा बनेंगे, आगे जो बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, हमें यह जानना है कि वस्तु कहां पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो आइए इसके बारे में बता दें। अगर हमें छह पॉइंट मिलती है, एक ये पॉइंट मिलेगी अनंत पर, एक अनंत व वक्ता केंद्र के बीच में मिलेगी दूसरी पॉइंट, तीसरी वक्ता केंद्र पर मिलेगी, चौथी पॉइंट मिलेगी वक्ता केंद्र व फोकस के बीच में, पांचवी पॉइंट मिलेगी फोकस पर, छठी पॉइंट मिलेगी फोकस व ध्रुव के बीच में। अब कोई पॉइंट नहीं मिलेगी क्योंकि अब आ गया आपका दर्पण। ठीक है, तो इस यहां से चलते हैं। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत पर होगी तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, और दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी जब अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, दर्पण के आगे बन रहा है ना, तो ये वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, अब फोकस पर होगी तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, एक हमारी ट्रिक है कि यफ मतलब फुफा, फुफा उसकी प्रारंभ पहली इंग्लिश होती है यफ ना, तो फुफा दूरे के होते हैं, दूरे मतलब अनंत, फुफा दूरे के होते हैं, तो दूरे फुफा, अफुफा दूरे, यानी जब दूरे होगी तो फुफा पर बनेगी, अफुफा पर होगी तो दूरे बनेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में दर्पण के आगे बनेगी तो वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु अनंत अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, फोकस पर होगी तो कहां बनेगा, अनंत पर। ठीक है, एक और पॉइंट होती है जिसको हम वक्ता केंद्र बोलते हैं, वक्ता केंद्र चच्चा, जो हमारे चच्चा होते हैं वो घरे के होते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु वक्ता केंद्र पर सी पर होगी, सी मतलब चच्चा पर होगी, तो प्रतिबिंब इसको बनेगा, घर में बनेगा, जहां का तहां बनेगा, चूंकि दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी वक्ता केंद्र पर होगी कहां बनेगा, वक्ता केंद्र का। अब तीन पॉइंट हो गई, अनंत पर होगी तो फोकस पर, फोकस पर होगी तो अनंत पर, दो पॉइंट, वक्ता केंद्र पर होगी तो वक्ता केंद्र पर। अब बीचे बीचे यहां की यहां बनेगी और यहां की यहां। अब देखिए, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में होगी तो वक्ता केंद्र फोकस के बीच में बनेगी, और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी तो कहां बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। सभी पांच कंडीशन का हुआ, पहला अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगी,
फोकस पर होगी तो अनंत तो बनेगी 2 पॉइंट, वक्ता केंद्र पर होगी तो वक्ता केंद्र तो बनेगी 3 पॉइंट, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु होगी जिसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा 4 पॉइंट, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यानी 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस 5ों कंडीशन में जो प्रतिबिंब होंगे वो वास्तविक होंगे और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनते हैं, उल्टा बनते हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ। एक 6वीं कंडीशन आती है जिसमें आदमी दर्पण के पास में सड़ जाता है, पास में पहुंच जाएगा, उसे बोलते हैं फोकस व ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में होगी यानी पास में होगी इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा, आभास होगा कि इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बढ़ रहा है। यानी जो फोकस व ध्रुव के बीच में वस्तु होगी इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और जो पीछे बनता है वह आभासी बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 6 पॉइंट को बता रहे हैं। अवतल दर्पण कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल और 12 दोनों के लिए पढ़ना है, और ये 10 के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार और बता दें आपको कि प्रतिबिंब कहाँ का बनेगा, अनंत पर होगा तो फोकस पर, फोकस पर होगा तो अनंत पर, फुफा दूर है अधूर फुफा। ठीक है, वक्ता केंद्र पर होगा तो वक्ता केंद्र बनेगा, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में होगा तो वक्ता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र फोकस के बीच में होगा तो अनंत वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। 5ों कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहे हैं, दर्पण के आगे बढ़ रहे हैं, तो जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन आती है कि जब फोकस पर रहेगा तब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट बनती है कि कब बड़ा बनेगा कब छोटा बनेगा, आइए उसको बता दें और खत्म कर दें। ये वक्ता केंद्र है, ये फोकस है, ये अनंत है। ठीक है, पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, 4, 5 और 6। आपको पता है कि आप दर्पण से जितने दूर रहेंगे आपका प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा, जैसे जैसे आप दर्पण के पास जाएंगे आपका प्रतिबिंब उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, आप अनंत पर रहेंगे, दर्पण से बहुत दूर है, आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में है वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अभी भी छोटा ही बनेगा। ठीक है, अब वक्ता केंद्र पर आए वस्तु को रखेंगे, इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब पास में आए बीचों बीच जब आएंगे तो बराबर बनेगा। ठीक है, मतलब दर्पण से जितने दूर रहेंगे आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जैसे पास आते जाएंगे आपका प्रतिबिंब उतना बड़ा होता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका प्रतिबिंब आपके बराबर बनेगा, वो कंडीशन होती है वक्ता केंद्र के पर रहेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता जाएगा, बड़ा। यानी अब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में जाएंगे, इसका प्रतिबिंब अनंत वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। फोकस पर जाएंगे, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। फोकस व ध्रुव के बीच में जाएंगे, इसका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इतना आप लोग वीडियो में जान लीजिए, इसका डायग्राम है खींचा जाएगा वो। ठीक है, अवतल दर्पण में यही आपका था, इसको आप लोग देख लीजिए।